वैद्युत क्षेत्र और आवेश से संबंधित एक और आंकिक प्रश्न देखेंगे। दो बिंदु आवेश एक मीटर की दूरी पर पृथक्कृत हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? एक आवेश यहाँ है, प्लस का है, दूसरा आवेश भी प्लस का है, दिया हुआ है, दोनों आवेश प्लस के हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? क्योंकि प्लस आवेश है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, ये भी प्लस आवेश है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। एक आवेश से x दूरी पर ये बिंदु मान लेते हैं, दूसरे आवेश से यहाँ तक की दूरी 1-x मीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर दी हुई है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने x मान लिया है, तो यहाँ से आगे की दूरी 1-x हो जाएगी। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र हम जानते ही हैं, 1/4π0 क्यू अपोन आर स्क्वायर। तो ये मान बढ़ते चले जाएंगे, जैसे इसके कारण तीव्रता लिखेंगे तो ओ ए ओ दिशा में लिखेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से बाहर की ओर को होती है। यहाँ कल्पना करते हैं कि एकांक धनावेश रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ही ये होता है कि एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर और बल की दिशा में, तो बल की दिशा धनावेश पर इधर होगी। तो E1 का मान 1/4π0 क्यू अपोन आर एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरे आवेश से निकाल लिया है, दोनों को बराबर किया जाएगा। और दोनों को बराबर करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4π0 10^-19 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5×10, तो इस तरीके से करके और दोनों का वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल 2 का मान, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 का मान पता होना चाहिए। इसमें से ये आ गया हमारा, बस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और एक्स का मान 0.414 मीटर, 41.4 सेंटीमीटर। तो 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, दो बिंदु आवेश प्लस 9E प्लस E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो? आवेश Q संतुलन में हो, इसका मतलब उस पर नेट बल शून्य होना चाहिए। तो इस आवेश के कारण इस पर बल निकालेंगे, इस आवेश के कारण इस पर बल निकालेंगे, दोनों बल विपरीत दिशा में हैं। अगर बराबर हुए तो नेट बल शून्य हो जाएगा, और नेट बल शून्य का मतलब ये संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो ये भी सवाल इसी तरह का है, दोनों के कारण बल का मान निकालना, इक्वेशन को सोल्व करना, एक्स का मान 12 सेंटीमीटर आया है, तो ये इस तरीके से हल हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये है, दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। Q, Q दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी हमने 2a मान ली है, तो यहां तक की दूरी a हो गई, यहां तक की दूरी a हो गई, मध्य बिंदु पर हो गया Q आवेश। Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। समझना पड़ेगा, तीनों निकायों का आवेश संतुलन में हो। तीनों आवेशों के निकाय के संतुलन में होने पर बिंदु A पर स्थित आवेश Q पर कार्यरत परिणामी बल शून्य होगा। इस पर भी बल शून्य होना चाहिए, और इस पर बल शून्य होने का मतलब है इस आवेश पर नेट बल शून्य होना चाहिए। प्रत्येक आवेश पर, किसी पर कहीं भी हम ले सकते हैं, इस आवेश पर भी ले सकते हैं, नेट बल शून्य निकालना है। तो जैसे क्यू आवेश से यहां बल 1/4π0 क्यू क्यू अपोन ए स्क्वायर हो गया, और इसके कारण यहां बल, ये डिस्टेंस 2a हो गई, तो 1/4π0 क्यू क्यू अपोन
टू ए स्क्वायर, क्यू आवेश क्यू आवेश, ये हो गया। और इनका मान जीरो होना चाहिए। ए पर स्थित आवेश क्यू पर कार्यरत परिणामी बल शून्य होना चाहिए। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि बी पर आवेशित जो क्यू आवेश है उस पर नेट बल शून्य होना चाहिए। इसके कारण निकालेंगे, इसके कारण निकालेंगे, शून्य करेंगे और इस आधार पर दोनों को हल करेंगे तो देखिए क्यू का मान माइनस क्यू बाई फोर आ गया। एक और महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न देखिए, चित्र दिया हुआ है, ए बी सी डी है, माइनस टू क्यू क्यू माइनस क्यू प्लस टू क्यू, केंद्र ओ पर वैद्युत क्षेत्र का परिणाम व दिशा ज्ञात करनी है। चारों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा, जैसे माइनस टू क्यू के कारण इधर होगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर और बल की दिशा में होता है। वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, इस आवेश से इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, इस आवेश से इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, इस आवेश से इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले हम पूरी दूरी निकाल लेते हैं, ये a है, ये a है, तो ये पूरी a वर्गमूल दो हो गई और आधा हो गई a वर्गमूल दो बटे दो, वर्गमूल दो गुना वर्गमूल दो लिख सकते हैं, a कैंसिल हो जाएगा a बाई रूट टू। यानी अगर ये a भुजा है, ये a भुजा है, ये वर्ग है, तो ये यहाँ तक सेंटर, ये डिस्टेंस सभी a अपॉन रूट टू हो गई। इस आवेश के कारण ea इस दिशा में होगा, इस आवेश के कारण इस दिशा में होगा, क्योंकि प्लस आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस आवेश के कारण माइनस का है तो इधर होगा, प्लस आवेश के कारण इधर होगा। तो ये ea b के कारण eb, d के कारण प्लस है तो इधर ed, c के कारण माइनस है तो ed। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का परिणाम ही निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इस दिशा में निकालते हैं तो इस दिशा में बचेगा ई डी माइनस ई बी, ई बी इधर है, इसको माइनस करेंगे तो इधर बचेगा, यानी इस साइड में ई डी माइनस ई बी, ऐसे ही इधर ई ए माइनस ई सी, ई ए माइनस ई सी, और फिर इन दोनों का परिणाम ही निकाल लेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, सेम है ना, ये आवेश इस तरह का दिया हुआ है। ज्यादा आवेश के कारण तीव्रता ज्यादा होती है तो ये ज्यादा हुआ, ज्यादा के कारण ये ज्यादा हुआ, तो ये निकाला गया है, बिल्कुल सिंपल दिया है। और ओ पर परिणामी तीव्रता ई, जैसे ये वाला हमारा पूरा E1 है और ये E2 है, तो इनका परिणाम ही अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, जैसे ये दिया हुआ है चित्र में, ये बनाया गया है चित्र, ये E1 है और ये E2 है, ये E हो गया और इसमें ये गलती दिया हुआ था इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, ये टेन थीटा ई वन बटे ई टू आएगा, ये थीटा ई वन बटे ई टू, लंबटे आधार ऐसे करके अच्छी तरीके से इन अंकित प्रश्नों को तैयार किया जाए।